नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। देश में कोरोना के नए मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना के 42,000 से ज़्यादा केसेस मिले हैं, जबकि 1200 से ज़्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। इस बीच देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियंट के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत के बाद अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में डेल्टा प्लस वेरियंट के केस मिलने लगे हैं। त्रिपुरा में टेस्टिंग के लिए भेजे गए 151 सैंपल में से 90 से ज़्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए गए हैं, यानी कि करीब 60% मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट से पॉजिटिव मिले हैं। सरकार की तरफ से दी गई इस जानकारी के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। त्रिपुरा के अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 151 सैंपल पश्चिम बंगाल की एक सरकारी लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। इनमें से 90 के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जबकि कुछ सैंपल में डेल्टा और कुछ में अल्फा वेरिएंट पाया गया है। त्रिपुरा के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर दीप देव वर्मा ने बताया कि 151 सैंपल का RT-PCR टेस्ट किया गया था। इनमें से जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए टेस्ट कराया गया। इनमें 90 मरीजों का सैंपल डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को तीसरे लहर के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हफ्ते के शुरुआत में बुधवार को ये कहा था कि 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 174 जिलों में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात में सबसे ज़्यादा केस मिले हैं। लेकिन अब त्रिपुरा में डेल्टा प्लस वेरिएंट के विस्फोट की बाद चिंता बढ़ने लगी है। त्रिपुरा सरकार ने शनिवार दोपहर 12 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक कई प्रतिबंधों के साथ 24 घंटे का वीकली कर्फ्यू लगा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।